तो हेलो दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से कल 3 नए अपडेट आ चुके हैं, जिनमें से 2 अपडेट एक नए यूट्यूब क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। और तीसरा जो अपडेट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके कारण हम 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हालांकि ये अपडेट कल आ चुका था, लेकिन आज हम लेट वीडियोस बना रहे तो उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है यूट्यूब सब्सक्राइबर को लेकर। क्या होता था, जब हमारा जो नए यूट्यूब क्रिएटर का सब्सक्राइबर बहुत ही कम रहता था, इसके कारण यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर है उसे हम हाइड करके रखते थे, ताकि हमारा जो ऑडियंस है उसे पता ना चले हमारे चैनल पे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर है। क्योंकि जितने जो भी ऑडियंस होता है वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज़ को देख के अपने कॉन्टेंट को जज करते हैं, हमारा जितने भी नॉलेज है उसे जज करते हैं, जिसके कारण उसका वीडियोज़ का ऑडियंस टेंशन बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और साथ साथ वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अब 29 जुलाई से YouTube ने नया अपडेट लाया कि जितने भी चैनल अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रख रहा था वो अब से हाइड नहीं होगा, यानी कि जितने भी चैनल पे अपने सब्सक्राइबर होगा वो अपने जो ऑडियंस है उनको दिखाई देगा। तो ये जो अपडेट है बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि एक नए क्रिएटर के लिए अगर मान लीजिए उनके चैनल पे उनके 10 सब्सक्राइबर हैं, तो जब उनके चैनल पे कोई भी ऑडियंस अगर आएगा तो देखेगा इसके चैनल पे 10 सब्सक्राइबर है, तो इसके वीडियोज़ को उन सब्सक्राइबर बेस को देख के उसे जज किया जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा नए यूट्यूब क्रिएटर के चैनल पे पड़ने वाला है, ये मुझे लगता है। तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड अपडेट है अपने चैनल नेम को लेकर। अगर मान लीजिए आप अपने चैनल नेम में किसी भी स्पेशल करेक्टर का यूज़ करते हो, कि मान लीजिए कोई अपने चैनल के नेम के आगे हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग चैनल का नेम हो गया, उसके बाद अपने चैनल के नेम के पास राइट का बैच लगा देता है, तो ऐसा स्पेशल करेक्टर आप चैनल के नेम पे नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपने चैनल का नेम को लिमिटेड टाइम ही चेंज कर पाओगे, ज़्यादा टाइम अपने चैनल को नेम को चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने चैनल से बार बार नाम चेंज करते हो तो आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी से आप लिमिटेड टाइम ही अपने चैनल का नेम को चेंज कर पाओगे। तो ये जो 2 अपडेट है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है एक नए यूट्यूब क्रिएटर के लिए, तो इसीलिए ये अपडेट को मैंने कवर किया और आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहे।